चीन की हरकतों से बाज न आता देख अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस मोर्चे पर लगाने पर विचार कर रहे हैं। सरकार स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव तंत्र से बॉर्डर मुद्दा सुलझाने पर विचार कर रही है। इसमें अजीत डोभाल और चीन में इनके समक्ष बांग ई की बातचीत होगी। पाकिस्तान को कई बार अपने प्लानों से पटखनी दे चुके अजीत डोभाल अब चीन की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर देंगे। सरकार स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव तंत्र से बॉर्डर मुद्दा सुलझाने पर विचार कर रही है। अजीत डोभाल और बांगी के बीच बातचीत होगी। बांगी इस वक्त चीन के विदेश मंत्री होने के साथ साथ स्टेट काउंसलर भी हैं। इस पद की पावर विदेश मंत्री से ज्यादा होती है। सरकार मानती है कि इससे चीन की सेना को पीछे हटने पर साफ संदेश दिया जाएगा। इसके पहले भी सीमा विवाद पर दोनों की बातचीत हो चुकी है। जब डोकलाम सीमा विवाद हुआ था उस समय भी वांग ही ने ही चीन की ओर से स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बनाया था। उसके बाद ही विवाद सुलझा। इस बार अब भारत किसी भी तरह से झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में फिर से दोनों की बातचीत होगी। 3 महीने के जारी दोनों देशों के बीच विवाद में भारत ने चीन को सामरिक आर्थिक और कूटनीति मोर्चे पर करारा चोट पहुंचाई है। फिर भी चीन बाज नहीं आ रहा। ऐसे में अपनी बातों को स्ट्रेट फॉरवर्ड रखने वाले अजीत डोभाल को इस मोर्चे पर लगाने पर विचार किया जा रहा है। अजीत डोभाल पाकिस्तान को कई बार अपनी प्लानिंग से पटखनी दे चुके हैं। अजीत डोभाल की रणनीति के चलते ही पाकिस्तान चारों तरफ से घिर गया है। ऐसे ही चीन को घेरा जा चुका है और अब अंतिम रूप से इसे कार्य रूप देने को लेकर अजीत डोभाल को लगाया जा सकता है। दरअसल लद्दाख संकट पर अजीत डोभाल पहले से एक्टिव हैं और चीन की हर हरकत पर उनकी नजर भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लद्दाख जाने का अचानक प्लान बना वह अजीत डोभाल की रणनीति का हिस्सा था। अजीत डोभाल के प्लान की वजह से ही किसी को भी इसकी भनक नहीं लगी थी। दूसरी तरफ चीनी घुसपैठ की कोशिश के बाद जिस तरह से भारत ने आक्रामक तरीके से उसका जवाब दिया उसे भी अजीत डोभाल की रणनीति बताया जाता है। अजीत डोभाल की रणनीति से ही LAC पर चीन की सेना 2 किलोमीटर पीछे हट गया है। PM ने चीन को चुनौती दी थी कि उसे विस्तारवादी नीति छोड़ देनी चाहिए। उसके बाद चीन पीछे हटने को मजबूर हो गया है और अब चीन से फाइनल बातचीत में अजीत डोभाल महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को तैयार हैं और चीन की सेना को पीछे हटने को मजबूर किया जा रहा है। रूस ने जिस प्रकार भारत के साथ समझौते किए इससे चीन अब घबरा गया है। बॉर्डर पर लगातार हो रही निगरानी ने चीन के कदम लड़खड़ाए हैं। चीन को एहसास है अगर भारत को यह नजर गड़ाया तो रूस विशेष सहायता देने को तैयार है। बहरहाल अजीत डोभाल को मोर्चे पर लगाना लगभग तय है और यह भी तय है कि जिस प्रकार से डोभाल मसले पर भारत पीछे नहीं हटा उसी प्रकार से लद्दाख मसले पर भी चीन को हटाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट दिल्ली।